दो सेक्टर और 12 जोन में बांटा गया कस्बा। मुहर्रम और अन्य त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। शनिवार शाम से शुरू हो रहे इस्लामिक नए वर्ष पर होने वाले सबसे बड़े आयोजन मुहर्रम के साथ ही सावन के महीने में मनाए जाने वाले हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों को लेकर कस्बे के तहसील सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की। हालांकि इस बैठक में ताजियेदारों सहित अलाव और अन्य इमाम बाड़ों के आयोजक नदारद रहे। मंगलवार दोपहर बाद कस्बे के तहसील सभागार में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें त्योहारों को शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी से उनके घरों और प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराने की बात कही गई। कस्बे में जगह जगह झूलते बिजली के तार आमतौर पर जुलूस में सबसे बड़ी समस्या खड़ी करते हैं, जिसे जल्द से जल्द सही कराने की बात कही गई थी। हालांकि मुहर्रम को लेकर आयोजित पीस कमेटी की बैठक में ताजियेदार और इमाम चौकों सहित अन्य आयोजक नदारद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जुलूस के दौरान जुलूस के मार्ग पर आम यातायात के लिए रूट डाइवर्ट किया जाएगा, साथ ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही हमारे द्वारा मंदिरों और मस्जिदों सहित सभी जगहों पर साफ सफाई कराई जा रही है, फिर भी अगर कोई समस्या है तो अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इस बीच छिमौली के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मेलू निषाद द्वारा अपने गांव में पुल की बात उठाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने अफसोस जताया और सेतु निगम के अधिकारियों से बात करने की बात कही। इस दौरान नसीम आलम, उत्तम सिंह, इद्दू पहलवान, आशिफ कुरैशी, लाला मास्टर, कौशलेंद्र सिंह, शफी चौधरी, चांद कुरैशी, मोहम्मद इरशाद राजू सहित कस्बे के और क्षेत्र के तमाम गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। अपडेट मीडिया के लिए पहली बात तो ये कि आप लोग बड़ी संख्या में आए और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। जो मुख्य बातें हैं उनको हम लोगों ने नोट भी कर लिया है। हमारे पुलिस के अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी, तहसील के अधिकारी सब ने नोट कर लिया है। जो इधर से बातें बताई गई वो भी बहुत अच्छी हैं। जो तैयारी है हमारे थाने की या अन्य विभागों की वो भी मुकम्मल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा एसपी साहब बाकी लोगों ने कहा और आप लोगों ने भी कहा, कि जो भी आने वाले आयोजन हैं वो सब बड़े ही अच्छे ढंग से होंगे, उसी तरह से अच्छे ढंग से होंगे जैसे पिछले कई महीने से हम लोग देख रहे हैं। मौदहा धीरे धीरे एक शांति की मिसाल बनता जा रहा है। हर त्योहारों में हम लोग आपसे बात करते हैं, यहाँ पर उपस्थिति अच्छी रहती है, पुलिस अधिकारी चाहे प्रशासन के अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सब लोग आपसे सम्मान करते हैं। सभी के गलियों में, मोहल्लों में, दरवाजे पर जाकर हमारे अधिकारियों ने बात किया, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, और बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर जब ये पता चलता सब बिल्कुल शांतिपूर्वक मस्जिदों में नमाज अदा की, उसके बाद सब लोग आराम से निकले, मंदिरों में पूजा करने जा रहे हैं, जलाभिषेक करने जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये लगता है कि सब लोग अपने अपने धर्म को खूब ढंग से जो भी उनके आयोजन है करने में किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं हो रही, ये सब जान के बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए, आप लोगों को भी इस गर्वानुभूति से अपने आप को खुश करना चाहिए, दिल को तसल्ली मिलनी चाहिए कि चाहे वो हमारा इंतजाम हो या आपकी आपस की मोहब्बत, आपस का प्रेम सद्भाव, जिसके कारण हम लोग दिन प्रतिदिन जिले पर बैठ के भी ये सब चीज़ें महसूस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारा सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है, मुहर्रम की पहली तारीख कल है, कल से मुहर्रम की शुरुआत होगी। मुहर्रम के जो कार्यक्रम हैं वो ज़्यादातर पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक के ही होते हैं। विशेष बात यह है कि इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग से लेकर औरतें तक इसमें किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय अपने
कार्यक्रम करती हैं, चाहे वो रात में निकलती हो, अपने घरों से कहीं बैठते हो कार्यक्रम करते हों, या दिन में बाकी सब कार्यक्रम होते हैं जिसमें सभी वर्गों के लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, एक बहुत ही शांति का माहौल आता है। क्योंकि ये कोई खुशी का त्यौहार तो माना नहीं जाता, इसीलिए सब बड़ी शांति से होता है। जो मुख्य बात बताई गई यहाँ से कि कई बार होता है कि हम उसमें कई बार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वहाँ थोड़ा सा बड़ा असहज स्थिति हो जाती है, सबके लिए हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, परिवार के जिम्मेदार लोग हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो सावन के कार्यक्रम चल रहे हैं, मंदिरों में जलाभिषेक हो रहा है, वो भी अच्छे ढंग से चले, हम लोग की यही इच्छा है। और इस सब में जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत है, हम लोग खड़े रहेंगे। पहले जैसे सावन की शुरुआत हुई, हम लोगों ने मंदिरों के आसपास की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया, नगर पालिका से इस कार्य को ढंग से किया गया। पूरे जिले में मंदिरों में साफ सफाई हुई। जब भी जुम्मा आता है, मस्जिद के पास, ईदगाह के पास आदि के नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी साफ सफाई कराते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से मेरे द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, बराबर इस बार भी दिए गए हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसे अवसर हैं, स्थान हैं, वहाँ साफ सफाई पूरी तरह से कराएं, ताकि किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो अपने धर्म के परंपराओं के अनुसार, कार्यक्रमों के अनुसार अपना कार्य करें, उसकी कोई असुविधा न हो, कोई कठिनाई न हो। उसी के क्रम में जो आप लोगों ने दो चार बातें बताई उसको नोट किया गया है। सबसे पहली बात आई पशुओं पर प्रतिबंध। नगर पालिका से यहाँ बैठे हुए हैं आप, क्या जितने सुअर बाड़े हैं उनको नोटिस दे दीजिएगा, थाने से भी नोटिस आएगी, और आप ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी सुअर उस दिन बाहर नहीं दिखाई। पहले उनका बाड़ा ताला बंद करा के चाबी थाने मंगवा लीजिए। ऐसे निर्देश ये है कि धीरे धीरे आपको सारे सुअरबाड़ों को शहर से बाहर करना, आबादी के अंदर सुअरबाड़े प्रतिबंधित से बहुत सालों से, लेकिन वो अक्सर देखा जाता है घूमते रहते हैं। तो ये कोशिश करिए कि एक भी इस तरह का पशु शहर में कहीं दिखाई दे, पहले से बंद हो जाए, उनके लोगों को नोटिस देते और जरूरत पड़े तो उनको पाबंद कराए। अगर आपको लग रहा हो नहीं कहने के बाद नहीं माने, इसमें कोई कोताही नहीं करनी। बिजली के तार आप ये देख लीजिएगा, अभी रूट पर SDM साहब, CO साहब, इंस्पेक्टर साहब सब देख भी रहे हैं, क्योंकि आज कई वक्ताओं ने समस्या को उठाया, इसको कोशिश कर लीजिएगा। अभी जब आप SDM साहब वगैरह निकले के साथ में जाइएगा, सारे रूट देखिए, जहाँ कहीं भी तार आपको लटके दीजिए उनको टाइट करा दीजिए, कोल्ड टेढ़े मेढ़े उनको सीधा करा दीजिएगा, जो भी कर सकते हैं। और अगर कहीं लगता है नहीं, कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे, वहाँ पे साइनेज जरूर लगा दीजिएगा, ताकि निकलने वालों को पता चले। नगर पालिका की ऐसी बात हुई कि नाली में गिरने की घटनाएं दूर हुई, बड़ी शर्मनाक बात है। जहाँ कहीं भी ऐसी नाली खुली है तो आपको पत्थर लगवा देना चाहिए, या वहाँ पर चूना डलवा दें, या कहीं हीटर लगवा दें, साइनेज लगवा दें, क्या खतरा है कृपया संभल के चले। नगर पालिका में इस तरह की स्थितियाँ अच्छी नहीं लगती सुनने को। और जो भी रास्ते हैं पूरी साफ सफाई मुकम्मल होनी चाहिए, तो इसका अभियान अभी से चला दिया। सावन का महीना चला, मंदिरों में भी साफ सफाई होती रहे, और धीरे धीरे शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल से शुरू हो गया तो यहाँ भी जो ताजिए का रास्ता वो भी सब साफ सुथरा रहे। जहाँ अलग रखा जाना है, जहाँ ताजिए का रास्ता जाना है, विशेष करके करोड़ा में जो एक समस्या थी उसके बारे में आप लोग बात करके देख लीजिएगा। विवाद है तो विवाद दोनों पक्षों की उपस्थिति में और दोनों पक्षों की जानकारी में होगी, तस्वीर साहब, तहसीलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब और हमारे समस्त उपस्थित गणमान्य नागरिक पत्रकार बंधु, पिछले जो त्यौहार हम लोगों ने सफल संपन्न किए हैं, मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही हम लोग मुहर्रम का त्यौहार भी इसको शांतिपूर्वक और सफल संपन्न कराएंगे।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके के सौहार्दपूर्ण वातावरण जो मिसाल आप लोगों ने पीछे जो पेश की है, आगे भी ऐसी ही मिसाल आप लोग पेश करेंगे। क्योंकि ये त्यौहार एक लंबा त्यौहार है, लगभग 10 दिन चलेगा और लंबे लंबे टाइम में चलेगा, लगभग 12 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, 20 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, लगातार कार्यक्रम रहेगा, तो इसमें जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें जितने भी ताजियेदार हैं उन सबकी जिम्मेदारी रहेगी कि उनके जहाँ पे ताजिए रखे जाते हैं वहाँ पे कोई भी इस तरह की घटना घटित ना हो, कोई भी जो प्रापाती व्यक्ति है वहाँ पे कुछ अवांछनीय पदार्थ या ऐसी चीज़ें ना रखा जाए, ये ताजियेदार की जिम्मेदारी रहेगी। ताजियेदार का हम लोग एक ग्रुप बना देंगे, उसमें सभी ताजियेदारों को हम लोग ऐड कर देंगे और जितने भी संभ्रांत नागरिक रहेंगे उनको हम लोग ऐड कर देंगे। और जहाँ जहाँ से ये जिसके घर से हमारा ये जुलूस का मार्ग है वो जो पहले रहा हुआ पारंपरिक रूप से वही रूट रहेगा, इसको किसी भी प्रकार से बदला नहीं जाएगा। जो इमामबाड़े पहले थे वही इमामबाड़े अभी भी रहेंगे, जो पहले तख्त रखते थे वही तख्त अभी भी रहेंगे, कोई नया तख्त ऐड नहीं होगा, कोई भी नया इमामबाड़ा या ताजिया नहीं रखा जाएगा, जो पहले से परंपरागत है उसी का हम लोग पालन करेंगे, कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं होगी। और मैं ये चाहूँगा कि जितना भी इमामबाड़े जो है उसका आप लोग एक परमिशन ले लीजिए, एक परमिशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, इसी साथ यहाँ से थाने से अख्या रख के चली जाएगी। और इस संबंध में एक रहत निर्देशन के लिए हमारे अधिकारी और उपस्थित हैं, वो लोग आपको इसके लिए अच्छे से। मौदहा से अमित कुमार की रिपोर्ट।